स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे, क्लास 12th, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। मोहिनी परचेज ए रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप शेप्ड बॉक्स एंड ए स्फेरिकल इनसाइड इट, स्फेरिकल बॉल इनसाइड इट एज ए शो पीस। मोहिनी एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप कि शेप का एक बॉक्स लेती है जिसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल भी है, ठीक है। साइड दे रखी है एक्स 2x और xy3, ठीक है, और रेडियस गिवन है y। जो स्फेयर है उसका रेडियस y गिवन है। तो आगे पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पैरेलल पाइप एंड स्फेयर इज गिवन टू बी कॉन्स्टेंट। लेट द कॉन्स्टेंट सरफेस एरिया गिवन टू बी एस, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में हमें रिलेशन बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें एस की वैल्यू निकाल के एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है। तो एस कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया का सम। तो पैरेलल पाइप का सरफेस एरिया होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। मैं लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला जैसे क्यूबॉइड का होता है वही इसका होता है, और सरफेस एरिया स्फीयर होता है 4πr2। तो यहाँ पे LB मतलब x इंटू 2x, 2x इंटू xy3, xy3 इंटू x, और r की जगह रख देंगे y, क्योंकि रेडियस है वाई। तो अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं। पहले 2 2x² 2x² और x²/3, तो एलसीएम 3 हो गया, तो 6x² + 2x² + x² 4πy² 9x²/3, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये आ गई हमारी वैल्यू एस की, 6x² + 4πy² = s। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि एक्स और वाई के बीच में ये हमारे यहाँ पे रिलेशन है। सेकंड पार्ट है कंबाइंड वॉल्यूम वी। वी को अगर कंबाइंड वॉल्यूम बताया गया है तो वी की वैल्यू क्या हो गई? तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वॉल्यूम होता है पैरेलल पाइप का LBH और स्फेयर का होता है 4/3πr³। तो x इंटू 2x इंटू x/3 4/3, ये तो ये आ गया 2x³/3 + 4/3πy³, ठीक है। यहाँ पे हमें एक काम और अभी करना होगा, जब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसको हम एक वेरिएबल की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से वाई निकाल लेते हैं, एस -6x² / 4π² ये हमारे यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितनी थी, 6 S -6x² / 4π² मतलब 1/2। तो ये 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3/2, ठीक है। तो ये हमारी वी की वैल्यू आ गई। अब सी पार्ट में उसने क्या बोला है, इफ वॉल्यूम वी इज मिनिमम देन हाउ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन गिवन है, अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे वॉल्यूम का, 6x² / 3, ध्यान से देखना है, 4/3π, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3/2 S -6x² / 4π की पावर 3/2 - 1, 1/2,
इनटू फिर चेन रूल से इसका करेंगे तो -12x/4y। ये डेरिवेटिव सभी को ध्यान से देखना है, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2, और फिर चेन रूल से इसका किया हुआ है तो ये आ गया। इसमें हमें क्वेश्चन ने बोला एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम पहले कैलकुलेशन जरा करते हैं ध्यान से। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 5 से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 6, तो ये आ गया -6x, और इसकी जगह हम लिख देंगे वाई, क्योंकि ऊपर हम बता चुके हैं कि वाई की वैल्यू ये है, क्योंकि रिलेशन पूछा है इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है मिनिमा, तो 4 मिनिमा इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x² - 6xy=0। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, x=3y। ये हमारा आंसर है कि अगर वी मिनिमम होगा तो x=3y होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। और वाला पार्ट आपको खुद करना है, मैं समझा देता हूँ क्या है। वो कह रहा है कि शेप ऑफ मिनिमम अगर x=2y पे है, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द शेप। तो वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में हमें डिफरेंस बताना है, तो आपको क्या करना होगा, सरफेस एरिया हमारा ये निकला हुआ है, इसमें हम x की जगह 2y पुट कर देंगे, और ये वॉल्यूम है इसमें भी x की जगह 2y पुट कर देंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर करा नहीं रहा हूँ, आपको खुद करना चाहिए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू वेरी मच।